लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी डिक्री के रुपए, वाचन समीर गोस्वामी का है। नईम और कैलाश में इतनी शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक अभिन्नता थी जितनी दो प्राणियों में हो सकती है। नईम दीर्घकाय विशाल वृक्ष था, कैलाश बाग का कोमल पौधा। नईम को क्रिकेट और फुटबॉल, सैर और शिकार का व्यसन था, कैलाश को पुस्तकावलोकन का। नईम एक विनोदशील, वाक्चतुर, निर्द्वंद, हास्यप्रिय, विलासी युवक था। उसे कल की चिंता कभी न सताती थी। विद्यालय उसके लिए क्रीड़ा का स्थान था और कभी कभी बेंच पर खड़े होने का। इसके प्रतिकूल कैलाश एक एकांत प्रिय, आलसी, व्यायाम से कोसों भागने वाला, आमोद प्रमोद से दूर रहने वाला चिंताशील आदर्शवादी जीव था। वो भविष्य की कल्पनाओं से विकल रहता था। नईम एक सुख संपन्न उच्च पदाधिकारी पिता का एकमात्र पुत्र था। कैलाश एक साधारण व्यवसायी के कई पुत्रों में से एक। उसे पुस्तकों के लिए काफी धन न मिलता था, मांग जांच कर काम निकाला करता था। एक के लिए जीवन आनंद का स्वप्न था और दूसरे के लिए विपत्तियों का बोझ। पर इतनी विषमताओं के होते हुए भी उन दोनों में घनिष्ठ मैत्री और निस्वार्थ विशुद्ध प्रेम था। कैलाश मर जाता पर नईम का अनुग्रह पात्र न बनता, और नईम मर जाता पर कैलाश से बेअदबी न करता। नईम की खातिर से कैलाश कभी कभी स्वच्छ निर्मल वायु का सुख उठा लिया करता। कैलाश की खातिर से नईम भी कभी कभी भविष्य के स्वप्न देख लिया करता था। नईम के लिए राज्यपद का द्वार खुला हुआ था। भविष्य कोई अपार सागर न था। कैलाश को अपने हाथों कुआं खोदकर पानी पीना था। भविष्य एक भीषण संग्राम था जिसके स्मरण मात्र से उसका चित्त अशांत हो उठता था। कॉलेज से निकलने के बाद नईम को शासन विभाग में एक उच्च पद प्राप्त हो गया, यद्यपि वो तीसरी श्रेणी में पास हुआ था। कैलाश प्रथम श्रेणी में पास हुआ था, किंतु उसे बरसों एड़ियां रगड़ने, खाक छानने और कुएं झांकने पर भी कोई काम न मिला। यहां तक कि विवश होकर उसे अपनी कलम का आश्रय लेना पड़ा। उसने एक समाचार पत्र निकाला। एक ने राज्य अधिकार का रास्ता लिया जिसका लक्ष्य धन था, और दूसरे ने सेवा मार्ग का सहारा लिया जिसका परिणाम ख्याति और कष्ट और कभी कभी कारागार होता है। नईम को उसके दफ्तर के बाहर कोई न जानता था, किंतु वो बंगले में रहता, हवा गाड़ी पर हवा खाता, थिएटर देखता और गर्मियों में नैनीताल की सैर करता था। कैलाश को सारा संसार जानता था, पर उसके रहने का मकान कच्चा था, सवारी के लिए अपने पांव, बच्चों के लिए दूध भी मुश्किल से मिलता, साग भाजी में काट कपट करना पड़ता था। नईम के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात ये थी कि उसके केवल एक पुत्र था, पर कैलाश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात उसकी संतान वृद्धि थी जो उसे पनपने न देती थी। दोनों मित्रों में पत्र व्यवहार होता रहता था, कभी कभी दोनों में मुलाकात भी हो जाती थी। नईम कहता था, यार तुम ही मजे में हो, देश और जाति की कुछ सेवा तो कर रहे हो, यहां तो पेट पूजा के सिवा और किसी के काम के ना हुए। पर यह पेट पूजा उसने कई दिनों की कठिन तपस्या से हृदयंगम कर पाई थी और उसके प्रयोग के लिए अवसर ढूंढता रहता था। कैलाश खूब समझता था कि ये केवल नईम की विनयशीलता है, ये मेरी कुदशा से दुखी होकर मुझे इस उपाय से सांत्वना देना चाहता है, इसलिए ये अपनी वास्तविक स्थिति को उससे छिपाने का विफल प्रयत्न किया करता था। विष्णुपुर की रियासत में हाहाकार मचा हुआ था। रियासत का मैनेजर अपने बंगले में ठीक दोपहर के समय सैकड़ों आदमियों के सामने कत्ल कर दिया गया था। यद्यपि खूनी भाग गया था, पर अधिकारियों को संदेह था कि कुंवर साहब की दुष्प्रेरणा से ही ये हत्या अभिनय हुआ है। कुंवर साहब अभी बालिग न हुए थे। रियासत का प्रबंध कोर्ट ऑफ वार्ड द्वारा होता था। मैनेजर पर कुंवर साहब की देखरेख का भार भी था। विलास प्रिय कुंवर को मैनेजर का हस्तक्षेप बहुत ही बुरा मालूम होता था। दोनों में बरसों से मनमुटाव था, यहां तक कि कई बार प्रत्यक्ष कटु वाक्यों की नौबत भी आ पहुंची थी। अतएव कुंवर साहब पर संदेह होना स्वाभाविक ही था। इस घटना का अनुसंधान करने के लिए जिले के हाकिम ने मिर्जा नईम को नियुक्त किया।
किसी पुलिस कर्मचारी द्वारा तहकीकात कराने में कुंवर साहब के अपमान का भय था। नईम को अपने भाग्य निर्माण का स्वर्ण सुयोग प्राप्त हुआ। वो न त्यागी था न ज्ञानी, सभी उसके चरित्र की दुर्बलता से परिचित थे। अगर कोई ना जानता था तो हुक्काम लोग। कुंवर साहब ने मुंह मांगी मुराद पाई। नईम जब विष्णुपुर पहुंचा तो उसका असामान्य आदर सत्कार हुआ। भेंटे चढ़ने लगी। अर्दली से चपरासी, पेशकार, साइस, बाबरची, खिदमतगार तक सभी के मुंह तर और मुठ्ठियां गरम होने लगी। कुंवर साहब के हवाली मवाली रात दिन घेरे रहते, मानो दामाद ससुराल आया हो। एक दिन प्रातःकाल कुंवर साहब की माता आकर नईम के सामने अपना हाथ बांध कर खड़ी हो गई। नईम लेटा हुआ हुक्का पी रहा था। तप, संयम और वैधव्य की तेजस्वी प्रतिमा देखकर उठ बैठा। रानी उसकी ओर वात्सल्यपूर्ण लोचनों से देखती हुई बोली, हुजूर, मेरे बेटे का जीवन आपके हाथ में है, आप ही उसके भाग्य विधाता हैं। आपकी उसी माता की सौगंध है जिसके आप सुयोग्य पुत्र हैं। मेरे लाल की रक्षा कीजिएगा, मैं तन मन धन आपके चरणों पर अर्पण करती हूं। स्वार्थ ने दया के संयोग से नईम को पूर्ण रीति से वशीभूत कर लिया। उन्हीं दिनों कैलाश नईम से मिलने आया। दोनों मित्र बड़े तपाक से गले मिले। नईम ने बातों बातों में ये संपूर्ण वृतांत कह सुनाया और कैलाश पर अपने कृत्य का औचित्य सिद्ध करना चाहा। कैलाश ने कहा, मेरे विचार में पाप सदैव पाप है, चाहे वो किसी आवरण में मंडित हो। नईम, और मेरा विचार है कि अगर गुनाह से किसी की जान बचती हो तो वो एहन सबाब है। कुंवर साहब अभी नौजवान आदमी हैं, बहुत ही होनार, बुद्धिमान, उदार और सहृदय हैं। आप उनसे मिले तो खुश हो जाएं। उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र है। मैनेजर, जो यथार्थ में दुष्ट प्रकृति का मनुष्य था, बरबस कुंवर साहब को दिक किया करता था। यहां तक कि एक मोटर कार के लिए रुपए न स्वीकार किए, न सिफारिश की। मैं ये नहीं कहता कि कुंवर साहब का ये कार्य स्तुत्य है, लेकिन बहस ये है कि उनको अपराधी सिद्ध करके उन्हें काले पानी की हवा खिलाई जाए या निरपराध सिद्ध करके उनकी प्राण रक्षा की जाए। और भाई, तुमसे तो कोई पर्दा नहीं है, पूरे 20,000 रुपए की थैली है। बस मुझे अपनी रिपोर्ट में ये लिख देना होगा कि व्यक्तिगत वैमनस्य के कारण ये दुर्घटना हुई है, राजा साहब का इससे कोई संपर्क नहीं। जो शहादतें मिल सकी उन्हें मैंने गायब कर दिया। मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त करने में अधिकारियों की एक मसलहत थी। कुंवर साहब हिंदू हैं, इसलिए किसी हिंदू कर्मचारियों को नियुक्त न करके जिलाधीश ने यह भार मेरे सिर रखा। ये सांप्रदायिक विरोध मुझे निष्प्रह सिद्ध करने के लिए काफी है। मैंने दो चार अवसरों पर कुछ तो हुक्काम की प्रेरणा से और कुछ स्वेच्छा से मुसलमानों के साथ पक्षपात किया, जिससे ये मशहूर हो गया है कि मैं हिंदुओं का कट्टर दुश्मन हूँ। हिंदू लोग तो मुझे पक्षपात का पुतला समझते हैं। ये भ्रम मुझे आक्षेपों से बचाने के लिए काफी है। बताओ, तकदीरवर हूं या नहीं? कैलाश, अगर कहीं बात खुल गई तो? नईम, तो ये मेरी समझ का फेर, मेरे अनुसंधान का दोष, मानव प्रकृति के एक अटल नियम का उज्ज्वल उदाहरण होगा। मैं कोई सर्वज्ञ तो हूं नहीं, मेरी नियत पर आंच ना आने पाएगी, पर मुझ पर रिश्वत लेने का संदेह ना हो सकेगा। आप इससे व्यवहारिक कोण पर न जाइए, केवल इसके नैतिक कोण पर निगाह रखिए। ये कार्य नीति के अनुकूल है या नहीं, आध्यात्मिक सिद्धांतों को न खींच लाइएगा, केवल नीति के सिद्धांतों से इसकी विवेचना कीजिए। कैलाश, इसका एक अनिवार्य फल ये होगा कि दूसरे रईसों को भी ऐसे दुष्कृत्यों की उत्तेजना मिलेगी। धन से बड़े पापों पर पर्दा पड़ सकता है। इस विचार के फैलने का फल कितना भयंकर होगा, इसका आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं। नईम, जी नहीं, मैं ये अनुमान नहीं कर सकता। रिश्वत अब भी 90% अभियोगों पर पर्दा डालती है, फिर भी पाप का भय प्रत्येक हृदय में है। दोनों मित्रों में देर तक इस विषय पर तर्क वितर्क होता रहा, लेकिन कैलाश का न्याय विचार नईम के हास और व्यंग से पेश न पा सका। विष्णुपुर के हत्याकांड पर समाचार पत्रों में आलोचना होने लगी। सभी पत्र एक स्वर से राय साहब को ही लांछित करते और गवर्नमेंट को राजा साहब से अनुचित
पक्षपात करने का दोष लगाते थे, लेकिन इसके साथ ये भी लिख देते थे कि अभी ये अभियोग विचाराधीन है, इसलिए इस पर टीका नहीं की जा सकती। मिर्जा नईम ने अपनी खोज को सत्य का रूप देने के लिए पूरा एक महीना व्यतीत किया। जब उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो राजनीतिक क्षेत्र में विप्लव मच गया, जनता के संदेह की पुष्टि हो गई। कैलाश के सामने अब एक जटिल समस्या उपस्थित हुई। अभी तक उसने इस विषय पर एकमात्र मौन धारण कर रखा था। वो ये निश्चय न कर सकता था कि क्या लिखूं। गवर्नमेंट का पक्ष लेना अपनी अंतरात्मा को पद दलित करना था, आत्म स्वातंत्र का बलिदान करना था, पर मौन रहना और भी अपमानजनक था। अंत में जब सहयोगियों में दो चार ने उसके ऊपर सांकेतिक रूप से आक्षेप करना शुरू किया कि उसका मौन निरर्थक नहीं है, तब उसके लिए तटस्थ रहना असह्य हो गया। उसके व्यक्तिक तथा जातीय कर्तव्य में घोर संग्राम होने लगा। उस मैत्री को जिसके अंकुर 25 वर्ष पहले हृदय में अंकुरित हुए थे और अब जो एक सघन विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुकी थी, हृदय से निकालना हृदय को चीरना था। वो मित्र जो उसके दुख में दुखी और सुख में सुखी होता था, जिसका हृदय नित्य उसकी सहायता के लिए तत्पर रहता था, जिसके घर में जाकर वो अपनी चिंताओं को भूल जाता था, जिसके दर्शन मात्र से ही उसे आश्वासन दृढ़ता तथा मनोबल प्राप्त होता था, उसी मित्र की जड़ खोदनी पड़ेगी। वो बुरी सायत थी जब मैंने संपादकीय क्षेत्र में पदार्पण किया, नहीं तो आज इस धर्म संकट में क्यों पड़ता। कितना घोर विश्वासघात होगा। विश्वास मैत्री का मुख्य अंग है। नईम ने मुझे अपना विश्वास पात्र बनाया है, मुझसे कभी पर्दा नहीं रखा। उसके उन गुप्त रहस्यों को प्रकाश में लाना उसके प्रति घोर अन्याय होगा। नहीं, मैं मैत्री को कलंकित ना करूंगा, उसकी निर्मल कीर्ति पर धब्बा न लगाऊंगा, मैत्री पर वज्राघात न करूंगा। ईश्वर वो दिन न लाए कि मेरे हाथों नईम का अहित हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि मुझ पर कोई संकट पड़े तो नईम मेरे लिए प्राण तक दे देने को तैयार हो जाएगा। उसी मित्र को मैं संसार के सामने अपमानित करूं, उसी गर्दन पर कुठार चलाऊं, भगवान मुझे वो दिन न दिखाना। लेकिन जातीय कर्तव्य का पक्ष भी निरस्त्र न था। पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है। वो जो कुछ देखता है जाति की विराट दृष्टि से देखता है। वो जो कुछ विचार करता है उस पर भी जातीयता की छाप लगी होती है। नित्य जाति के विस्तृत विचार क्षेत्र में विचरण करते रहने से व्यक्ति का महत्व दृष्टि में अत्यंत संकीर्ण हो जाता है। वो व्यक्ति को शुद्र तुच्छ नगण्य कहने लगता है। व्यक्ति को जाति पर बलि देना उसकी नीति का प्रथम अंग है। यहाँ तक कि बहुधा अपने स्वार्थ को भी जाति पर वार देता है। उसके जीवन का लक्ष्य महान आत्माओं का अनुगामी होता है, जिसने राष्ट्रों का निर्माण किया है। उनकी कीर्ति अमर हो गई है जो दलित राष्ट्रों के उद्धारक हो गए हैं। वो यथाशक्ति कोई काम ऐसा नहीं कर सकता जिससे उसके पूर्वजों की उज्ज्वल विरुद्धावली में कालिमा लगने का भय हो। कैलाश राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कुछ यश और गौरव प्राप्त कर चुका था। उसकी सम्मति आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। उसके निर्भीक विचारों ने, उसके निष्पक्ष टीकाओं ने उसे संपादक मंडली का प्रमुख नेता बना दिया था। अतएव इस अवसर पर मैत्री का निर्वाह केवल उसकी नीति और आदर्श ही के विरुद्ध नहीं, उसके मनोगत भावों के भी विरुद्ध था। इसमें उसका अपमान था, आत्मपतन था, भीरुता थी। ये कर्तव्य पथ से विमुख होना और राजनीतिक क्षेत्र में सदैव के लिए बहिष्कृत हो जाना था। एक व्यक्ति की, चाहे वो मेरा कितना ही आत्मीय क्यों ना हो, राष्ट्र के सामने क्या हस्ती है। नईम के बनने या बिगड़ने से राष्ट्र पर कोई असर न पड़ेगा, लेकिन शासन की निरंकुशता और अत्याचार पर पर्दा डालना राष्ट्र के लिए भयंकर सिद्ध हो सकता है। उसे इसकी परवाह ना थी कि मेरी आलोचना का प्रत्यक्ष कोई असर होगा या नहीं। संपादक की दृष्टि में अपनी सम्मति सिंहनाद के समान प्रतीत होती है कि मेरी लेखनी शासन को कंपायमान कर देगी, विश्व को हिला देगी। शायद सारा संसार मेरी कलम की सरसराहट से थर्रा उठेगा। मेरे विचार प्रकट होते ही युगांतर उपस्थित कर देंगे। नईम मेरा मित्र है, किंतु राष्ट्र मेरा इष्ट है। मित्र के पद की रक्षा के लिए क्या अपने इष्ट पर प्राणघातक आघात करूं? कई दिनों तक कैलाश के व्यक्तिगत और संपादक के कर्तव्य में संघर्ष होता रहा।
अंत को जाति ने व्यक्ति को परास्त कर दिया। उसने निश्चय किया कि मैं इस रहस्य का यथार्थ स्वरूप दिखा दूंगा, शासन के अनुत्तरदायित्व को जनता के सामने खोलकर रख दूंगा, शासन विभाग के कर्मचारियों की स्वार्थ लोलुपता का नमूना दिखा दूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा कि सरकार किन की आंखों से देखती है, किन के कानों से सुनती है। उसकी अक्षमता, उसकी अयोग्यता और उसकी दुर्बलता को प्रमाणित करने का इससे बढ़कर और कौन सा उदाहरण मिल सकता है। नहीं, मेरा मित्र है तो है, जाति के सामने वो कोई चीज नहीं है। उनकी हानि के भय से मैं राष्ट्रीय कर्तव्यों से क्यों मुंह फेरूं, अपनी आत्मा को क्यों दूषित करूं, अपनी स्वाधीनता को क्यों कलंकित करूं। आह, प्राणों से प्रिय नईम, मुझे क्षमा करना। आज तुम जैसे मित्र रत्न को मैं अपने कर्तव्यों की वेदी पर बलि चढ़ाता हूं, मगर तुम्हारी जगह अगर मेरा पुत्र होता तो उसे भी इसी कर्तव्य की बलि वेदी पर भेंट कर देता। दूसरे दिन कैलाश ने इस घटना की मीमांसा शुरू की। जो कुछ उसने नईम से सुना था वो सब एक लेखमाला के रूप में प्रकाशित करने लगा। घर का भेदी लंका ढाए, अन्य संपादकों को जहां अनुमान, तर्क और युक्ति के आधार पर अपना मत स्थिर करना पड़ता था और इसलिए वे कितनी ही अनर्गल अपवादपूर्ण बातें लिख डालते थे, वहां कैलाश की टिप्पणियां प्रत्यक्ष प्रमाणों से युक्त होती थी। वो पति पति की बातें कहता था और उस निर्भीकता के साथ जो दिव्य अनुभव का निर्देश करती थी। उसके लेखों में विस्तार कम पर सार अधिक होता था। उसने नईम को भी न छोड़ा, उसकी स्वार्थ लिप्सा का खूब खाका उड़ाया, यहां तक कि वो धन की संख्या भी लिख दी जो इस कुत्सित व्यापार पर पर्दा डालने के लिए उसे दी गई थी। सबसे मजे की बात यह थी कि उसने नईम से एक राष्ट्रीय गुप्तचर की मुलाकात का भी उल्लेख किया जिसने नईम को रुपये लेते हुए देखा था। अंत में गवर्नमेंट को भी चैलेंज दिया कि जो उसमें साहस हो तो मेरे प्रमाणों को झूठा साबित कर दे। इतना ही नहीं, उसने वो वार्तालाप भी अक्षरशः प्रकाशित कर दिया जो उसके और नईम के बीच हुआ था। रानी का नईम के पास आना, उसके पैरों पर गिरना, कुंवर साहब का नईम के पास नाना प्रकार के तोहफे लेकर आना, इन सभी प्रसंगों ने उसके लेखों में एक जासूसी उपन्यास का मजा पैदा कर दिया। इन लेखों ने राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मचा दी। पत्र संपादकों को अधिकारियों पर निशाने लगाने के ऐसे अवसर बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। जगह जगह शासन की इस करतूत की निंदा करने के लिए सभाएं होने लगी। कई सदस्यों ने व्यवस्थापक सभा में इस विषय पर प्रश्न करने की घोषणा की। शासकों को कभी ऐसी मुंह की न खानी पड़ी थी। आखिर उन्हें अपनी मान रक्षा के लिए इसके सिवा और कोई उपाय न सूझा कि वे मिर्जा नईम को कैलाश पर मानहानि का अभियोग चलाने के लिए विवश करें। कैलाश पर इस्तगासा दायर हुआ। मिर्जा नईम की ओर से सरकार पैरवी करती थी, कैलाश स्वयं अपनी पैरवी कर रहा था। न्याय के प्रमुख संरक्षकों, वकील, बैरिस्टरों ने किसी अज्ञात कारण से उसकी पैरवी करना अस्वीकार किया। न्यायाधीश को हार कर कैलाश को कानून की सनद न रखते हुए भी अपने मुकदमे की पैरवी करने की आज्ञा देनी पड़ी। महीनों अभियोग चलता रहा, जनता में सनसनी फैल गई। रोज हजारों आदमी अदालत में एकत्र होते थे, बाजारों में अभियोग की रिपोर्ट पढ़ने के लिए समाचार पत्रों की लूट होती थी। चतुर पाठक पढ़े हुए पत्रों से घड़ी रात जाते जाते दुगने पैसे खड़े कर लेते थे, क्योंकि उस समय तक पत्र विक्रेताओं के पास कोई पत्र न बचने पाता था। जिन बातों का ज्ञान पहले गिने गिनाए पत्र ग्राहकों को था, उन पर अब जनता की टिप्पणियां होने लगी। नईम की मिट्टी कभी इतनी खराब ना हुई थी, गली गली घर घर उसकी चर्चा थी। जनता का क्रोध उसी पर केंद्रित हो गया था। वो दिन भी स्मरणीय रहेगा जब दोनों सच्चे मित्र, एक दूसरे पर प्राण देने वाले मित्र, अदालत में आमने सामने खड़े हुए और कैलाश ने मिर्जा नईम से जिरह करनी शुरू की। कैलाश को ऐसा मानसिक कष्ट हो रहा था मानो वो नईम की गर्दन पर तलवार चलाने जा रहा है, और नईम के लिए तो अग्नि परीक्षा थी। दोनों के मुख उदास थे, एक का आत्मग्लानी से, दूसरे का भय से। नईम प्रसन्न बनने की चेष्टा करता था, कभी कभी सूखी हंसी भी हंसता था, लेकिन कैलाश, आह, उस गरीब के दिल पर जो गुजर रही थी उसे कौन जान सकता था। कैलाश ने पूछा, आप और मैं साथ पढ़ते थे, इसे आप स्वीकार करते हैं? नईम,
अवश्य स्वीकार करता हूं। कैलाश, हम दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि हम आपस में कोई पर्दा न रखते थे, इसे आप स्वीकार करते हैं? नहीं, अवश्य स्वीकार करता हूं। कैलाश, क्या उस समय आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि कुंवर साहब की प्रेरणा से ये हत्या हुई है? नहीं, कदापि नहीं। कैलाश, आपके मुख से ये शब्द नहीं निकले थे कि 20,000 रुपये की थैली है? नईम जरा भी न झिझका, जरा भी संकुचित न हुआ। उसकी जबान में लेश मात्र भी लुकनत न हुई, वाणी में जरा भी थरथराहट न आई, उसके मुख पर अशांति, अस्थिरता या असमंजस का कोई भी चिन्ह न दिखाई दिया। वो अविचल खड़ा रहा। कैलाश ने बहुत डरते डरते ये प्रश्न किया था। उसको भय था कि नईम इसका कुछ जवाब न दे सकेगा, कदाचित रोने लगेगा। लेकिन नईम ने निशंक भाव से कहा, संभव है आपने स्वप्न में मुझसे ये बातें सुनी हों। कैलाश एक क्षण के लिए दंग हो गया। फिर उसने विस्मय से नईम की ओर नजर डालकर पूछा, क्या आपने ये नहीं फरमाया कि मैंने 2-4 अवसरों पर मुसलमानों के साथ पक्षपात किया है और इसलिए मुझे हिंदू विरोधी समझकर इस अनुसंधान का भार सौंपा गया है? नईम जरा भी न झिझका, अविचल स्थिर और शांत भाव से बोला, आपकी कल्पना शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक है। बरसों तक आपके साथ रहने पर भी मुझे ये विदित नहीं हुआ था कि आप में घटनाओं का आविष्कार करने की ऐसी चमत्कारपूर्ण शक्ति है। कैलाश ने और कोई प्रश्न नहीं किया। उसे अपने पराभव का दुख न था, दुख था नईम की आत्मा के पतन का। वो कल्पना भी न कर सकता था कि कोई मनुष्य अपने मुंह से निकली हुई बात को इतनी ढिठाई से अस्वीकार कर सकता है, और वो भी उस आदमी के मुंह पर जिससे वो बात कही गई हो। ये मानवीय दुर्बलता की पराकाष्ठा है। वो नईम जिसका अंदर और बाहर एक था, जिसके विचार और व्यवहार में भेद न था, जिसकी वाणी आंतरिक भावों का दर्पण थी, वो नईम, वो सरल आत्माभिमानी सत्य भक्त नईम इतना धूर्त ऐसा मक्कार हो सकता है? क्या दासता के सांचे में ढलकर मनुष्य अपना मनुष्यत्व खो बैठता है? क्या ये दिव्य गुणों का रूपांतर करने का यंत्र है? अदालत ने नईम को 20,000 रुपयों की डिक्री दे दी। कैलाश पर वज्रपात हो गया। इस निश्चय पर राजनीतिक संसार में फिर कोहराम मचा। सरकारी पक्ष के पत्रों ने कैलाश को धूर्त कहा, जनपक्ष वालों ने नईम को शैतान बताया। नईम के दुस्साहस ने न्याय की दृष्टि में चाहे उसे निरपराध सिद्ध कर दिया हो, पर जनता की दृष्टि में तो उसे और भी गिरा दिया। कैलाश के पास सहानुभूति के पत्र और तार आने लगे। पत्रों में उसकी निर्भीकता और सत्यनिष्ठा की प्रशंसा होने लगी। जगह जगह सभाएं और जलसे हुए और न्यायालय के निश्चय पर असंतोष प्रकट किया गया, किंतु सूखे बादलों से पृथ्वी की तृप्ति तो नहीं होती। रुपए कहाँ से आवे, और वो भी एकदम से 20,000। आदर्श पालन का यही मूल है, राष्ट्र सेवा महंगा सौदा है। 20,000, इतने रुपए तो कैलाश ने शायद स्वप्न में भी न देखे हों, और जब देने पड़ेंगे कहाँ से देगा? इतने रुपए के सूद से ही वो जीविका की चिंता से मुक्त हो सकता था। उसे अपने पत्र में अपनी विपत्ति का रोना रोकर चंदा एकत्र करने से घृणा थी। मैंने अपने ग्राहकों की अनुमति लेकर इस शेर से मोर्चा नहीं लिया था। मैनेजर की वकालत करने के लिए किसी ने मेरी गर्दन नहीं दबाई थी। मैंने अपना कर्तव्य समझकर ही शासकों को चुनौती दी। जिस काम के लिए मैं अकेला जिम्मेदार हूं, उसका भार अपने ग्राहकों पर क्यों डालूं? ये अन्याय है। संभव है जनता में आंदोलन करने से 2-4 हज़ार रुपये हाथ आ जाएं, लेकिन ये संपादकीय आदर्श के विरुद्ध है। इससे मेरी शान में बट्टा लगता है। दूसरों को ये कहने का अवसर दूं कि और के मत्थे फुलौड़ियाँ खाएं, तो क्या बड़ा जग जीत लिया। तब जानते कि अपने बलबूते पर गरजते। निर्भीक आलोचना का सहरा तो मेरे सिर बंधा, उसका मूल्य दूसरों से क्यों वसूल करूं? मेरा पत्र बंद हो जाए, मैं पकड़कर कैद किया जाऊं, मेरा मकान कुर्क कर लिया जाए, बर्तन भांडे नीलाम हो जाए, ये सब मुझे मंजूर है। जो कुछ सिर पड़ेगी भुगत लूंगा, पर किसी के सामने हाथ न फैलाऊंगा। सूर्योदय का समय था। पूर्व दिशा में प्रकाश की छटाएं ऐसी दौड़ी चली आती थी जैसे आंख से आंसुओं की धारा। ठंडी हवा कलेजे पर यों लगती थी जैसे किसी के करुण क्रंदन की ध्वनि। सामने का मैदान दुखी हृदय की भांति
ज्योति के बाणों से पिंध रहा था। घर में वो निस्तब्धता छाई थी जो गृह स्वामी के गुप्त रोदन की सूचना देती है, न बालकों का शोरगोल और न माता की शांति प्रसारणी शब्द ताड़ना। जब दीपक बुझ रहा हो तो घर में प्रकाश कहाँ से आए। ये आशा का प्रभाव नहीं, शोक का प्रभाव था, क्योंकि आज ही कुरकमीन कैलाश की संपत्ति को नीलाम करने के लिए आने वाला था। उसने अंतर्वेदना से विकल होकर कहा, आह, आज मेरे सार्वजनिक जीवन का अंत हो जाएगा। जिस भवन का निर्माण करने में अपने जीवन के 25 वर्ष लगा दिए, वो आज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। पत्र की गर्दन पर छुरी फिर जाएगी, मेरे पैरों में उपहास और अपमान की बेड़ियां पड़ जाएंगी, मुख में कालीमा लग जाएगी, ये शांति कुटीर उजड़ जाएगा, ये शोकाकुल परिवार किसी मुरझाए हुए फूल की पंखुड़ियों की भांति बिखर जाएगा। संसार में उसके लिए कहीं आश्रय नहीं है। जनता की स्मृति चिरस्थायी नहीं होती, अल्पकाल में मेरी सेवाएं विस्मृति के अंधकार में लीन हो जाएंगी। किसी को मेरी सुध भी ना रहेगी, कोई मेरी विपत्ति पर आंसू बहाने वाला भी ना होगा। सहसा उसे याद आया कि आज के लिए अभी अग्रलेख लिखना है। आज अपने सुहृदय पाठकों को सूचना दूं कि ये इस पत्र के जीवन का अंतिम दिवस है, उसे फिर आपकी सेवा में पहुंचाने का सौभाग्य न प्राप्त होगा। हमसे अनेक भूलें हुई होंगी, आज हम उनके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। आपने हमारे प्रति जो सहवेदना और सुहृदयता प्रकट की है, उसके लिए हम सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमें इस अकाल मृत्यु का दुख नहीं है, क्योंकि वो सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हैं। दुख यही है कि हम जाति के लिए इससे अधिक बलिदान करने में समर्थ न हुए। इस लेख को आदि से अंत तक सोचकर वो कुर्सी से उठा ही था कि किसी के पैरों की आहट मालूम हुई। गर्दन उठाकर देखा तो मिर्जा नईम था। वही हंसमुख चेहरा, वही मृदु मुस्कान, वही किरणामय नेत्र। आते ही कैलाश के गले से लिपट गया। कैलाश ने गर्दन छुड़ाते हुए कहा, क्या मेरे घाव पर नमक छिड़कने, मेरी लाश को ठुकराने आए हो? नईम ने उसकी गर्दन को और जोर से दबाकर कहा, और क्या, मोहब्बत के यही तो मजे हैं। कैलाश, मुझसे दिल लगी ना करो, भरा बैठा हूं, मार बैठूंगा। नईम की आंखें सजल हो गई, बोला, आ जालिम, मैं तेरी जबान से यही कटु वाक सुनने के लिए तो विकल हो रहा था। जितना चाहो कोसो, खूब गालियां दो, मुझे इसमें मधुर संगीत का आनंद आ रहा है। कैलाश, और अभी जब अदालत का कुरकमीन मेरा घर बार नीलाम करने आएगा तो क्या होगा, बोलो, अपनी जान बचाकर तो अलग हो गए। नईम, हम दोनों मिलकर खूब तालियां बजाएंगे और उसे बंदर की तरह नचाएंगे। कैलाश, तुम अब पिटोगे मेरे हाथों से जालिम, तुझे मेरे बच्चों पर भी दया ना आई? नईम, तुम भी चले मुझी से जोर आजमाने, कोई समय था जब बाजी तुम्हारे हाथ रहती थी, अब मेरी बारी है, तुमने मौका महल तो देखा नहीं, मुझ पर बिल पड़े। कैलाश, सरासर सत्य की उपेक्षा करना मेरे सिद्धांत के विरुद्ध था। नईम, और सत्य का गला घोटना मेरे सिद्धांत के अनुकूल। कैलाश, अभी एक पूरा परिवार तुम्हारे गले मढ़ दूंगा तो अपनी किस्मत को रोगे। देखने में तुम्हारा आधा भी नहीं हूं, लेकिन संतान उत्पत्ति में तुम जैसे 3 पर भारी हूं, पूरे 7 हैं, कम ना बेश। नईम, अच्छा लाओ कुछ खिलाते पिलाते हो या तकदीर का मरसिया ही गाए जाओगे? तुम्हारे सिर की कसम, बहुत भूखा हूं, घर से बिना खाए ही चल पड़ा। कैलाश, यहां आज 16 दंड एकादशी, सबके सब शोक में बैठे उसी अदालत के जल्लाद की राह देख रहे हैं, खाने पीने का क्या जिक्र। तुम्हारी बैग में कुछ हो तो निकालो, आज साथ बैठकर खा ले, फिर तो जिंदगी भर कर रोना है ही। नहीं, फिर तो ऐसी शरारत ना करोगे? कैलाश, वाह, ये तो अपने रोम रोम में व्याप्त हो गई है। जब तक सरकार पशुबल से हमारे ऊपर शासन करती रहेगी, हम उसका विरोध करते रहेंगे। खेद यही है कि अब मुझे इसका अवसर ही ना मिलेगा, किंतु तुम्हें 20,000 रुपये में से 20 रुपये भी ना मिलेंगे, यहाँ रद्दियों के ढेर के सिवा और कुछ नहीं है। नईम, अजी मैं तुमसे 20,000 रुपये की जगह उसका 5 गुना वसूल कर लूंगा, तुम हो किस फिर में? कैलाश, मुंह धो रखिए। नईम, मुझे रुपयों की जरूरत है, आओ कुछ समझौता कर लो। कैलाश,
कुंवर साहब के 20,000 रुपये डकार गए, फिर भी अभी संतोष नहीं हुआ? नहीं, सरकारी कर्मचारियों द्वारा मामला करने में और भी जेरबारी होगी। कैलाश, अरे तो क्या मामला कर लूं, यहां कागजों के सिवा और कुछ हो भी तो? नहीं, मेरा ऋण चुकाने भर को बहुत है। अच्छा, इसी बात पर समझौता कर लो कि जो चीज चाहूं ले लूं, फिर रोना मत। कैलाश, अजी तुम सारा दफ्तर सिर पर उठा ले जाओ, घर उठा ले जाओ, मुझे पकड़ ले जाओ और मीठे टुकड़े खिलाओ। कसम ले लो जो जरा भी चूं करूं। नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, सिर्फ एक चीज। कैलाश के कौतूहल की कोई सीमा न रही। सोचने लगा, मेरे पास ऐसी कौन सी बहुमूल्य वस्तु है, कहीं मुझसे मुसलमान होने को तो ना कहेगा। यही एक धार्मिक चीज है जिसका मूल्य एक से लेकर असंख्य तक रखा जा सकता है। जरा देखूं तो हजरत क्या कहते हैं, उसने पूछा। क्या चीज? नहीं, मिसेस कैलाश से 1 मिनट तक एकांत में बातचीत करने की आज्ञा। कैलाश ने नईम के सिर पर एक चपत जमा कर कहा, फिर वही शरारत? सैकड़ों बार तो देख चुके हो, ऐसी कौन सी इंद्र की अप्सरा है? नईम, वो कुछ भी हो, मामला करते हो तो करो, मगर याद रखना एकांत की शर्त। कैलाश, मंजूर है, फिर जो डिक्री के रुपए मांगे गए तो 9 छी खाऊंगा। नहीं, हाँ मंजूर है। कैलाश धीरे से, मगर यार नाजुक मिजाज स्त्री है, कोई बेहुदा मजाक न कर बैठना। नहीं जी, इन बातों में मुझे आपके उपदेश की जरूरत नहीं, मुझे उनके कमरे में ले तो चलिए। कैलाश, सिर नीचे किए रहना। नहीं अजी, आंखों में पट्टी बांध दो। कैलाश के घर में पर्दा न था, उमा चिंता मग्न बैठी हुई थी। सहसा नईम और कैलाश को देखकर चौंक पड़ी, बोली, आइए मिर्जा जी, अब की तो बहुत दिनों में याद किया। कैलाश नईम को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन पर्दे की आड़ से छिपकर देखने लगा कि इनमें क्या बातें होती हैं। उसे कुछ बुरा ख्याल ना था, केवल कौतूहल था। नईम, हम सरकारी आदमियों को इतनी फुर्सत कहाँ, डिक्री के रुपये वसूल करने थे इसलिए चला आया हूं। उमा कहाँ तो मुस्करा रही थी, कहाँ रुपए का नाम सुनते ही उसका चेहरा फक हो गया। गंभीर स्वर में बोली, हम लोग स्वयं इसी चिंता में पड़े हुए हैं, कहीं रुपए मिलने की आशा नहीं है और उन्हें जनता से अपील करते संकोच होता है। नहीं अजी, आप कहती क्या हैं, मैंने सब रुपए पाई पाई वसूल कर लिए। उमा ने चकित होकर कहा, सच? उनके पास रुपए कहाँ थे? नहीं, उनकी हमेशा से यही आदत है। आपसे कह रखा होगा मेरे पास कौड़ी नहीं है, लेकिन मैंने चुटकियों में वसूल कर लिया। आप उठिए, खाने का इंतजाम कीजिए। उमा, रुपए भला क्या दी होंगे, मुझे एतवार नहीं आता। नहीं, आप सरल हैं और वो एक काइया, उसे तो मैं ही खूब जानता हूं, अपनी दरिद्रता के दुखड़े गा गा कर आपको चकमा दिया करता होगा। कैलाश मुस्कुराते हुए कमरे में आए और बोले, अच्छा आप निकलिए बाहर, यहां भी अपनी शैतानी से बाज ना आए। नहीं, रुपए की रसीद तो लिख दूं। उमा, तुमने रुपए दे दिए, कहां मिले? कैलाश, फिर कभी बतला दूंगा, उठिए हजरत। उमा, बताते क्यों नहीं कहां मिले, मिर्जा जी से कौन पर्दा है? कैलाश, नईम तुम उमा के सामने मेरी तौहीन करना चाहते हो? नईम, तुमने सारी दुनिया के सामने मेरी तौहीन नहीं की? कैलाश, तुम्हारी तौहीन की तो उसके लिए 20,000 रुपये नहीं देने पड़े? नईम, मैं भी उसी टकसाल के रुपए दे दूंगा। उमा, मैं रुपए पा गया, इन बेचारे का पर्दा ढका रहने दो। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी डिक्री के रुपए, वाचन समीर गोस्वामी का था।